अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाना की फिर मेरे रायबा की। दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान स्टारर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल स्टारर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर बीते शुक्रवार यानी 10 जनवरी को रिलीज की जा चुकी है। इस मूवी में 17वीं दशक की कहानी है, जिसे शिवाजी की सेना के वीर सूबेदार तानाजी मालसूरे पर बनाया गया है। इस फिल्म में अजय देवगन तानाजी का रोल किया है, जबकि काजोल ने उनकी पत्नी सावित्री बाई का रोल किया है और सैफ अली खान ने उदय भान का किरदार निभाया है। अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की बजट की बात करें तो इस फिल्म की बजट लगभग 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। स्क्रीन काउंट की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर भारत में 3,880 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और ओवरसीज में फिल्म को 660 स्क्रीन मिली है। कुल मिलाकर फिल्म को 4,540 स्क्रीन मिले हैं। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर पहले दिन 15 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी, जबकि दूसरे दिन तानाजी द अनसंग वॉरियर ने लगभग 20 करोड़ 57 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही है। अगर बात करें तानाजी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो तानाजी तीसरे दिन यानी अपने रिलीज के पहले रविवार को 26 करोड़ 8 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई की। अगर बात करें चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में तो तानाजी चौथे दिन लगभग 11 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस किया। वहीं अगर बात करें फिल्म के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तानाजी द अनसंग वॉरियर पांचवें दिन लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी की पाँच दिनों की इंडिया नेट कलेक्शन 85 करोड़ 35 लाख रुपए पहुँच जाती है। वहीं अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो तानाजी द अनसंग वॉरियर का पाँच दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 115 करोड़ रुपए रहा है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो तानाजी द अनसंग वॉरियर का ओवरसीज कलेक्शन 14 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 101 करोड़ रुपए पहुँच गया है। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस फिल्म में अजय देवगन शिवाजी की सेना के सूबेदार तानाजी मालसूरे का किरदार निभाते नजर आए हैं। वहीं काजोल तानाजी की पत्नी सावित्री बाई के किरदार में नजर आई हैं। फिल्म में सैफ अली खान विलेन उदय भान के किरदार में बेहद जचे हैं। फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अगर आपने तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी देखी ली हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी कैसी लगी और साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।